हाफ एडर। सो व्हाट इज हाफ एडर? हाफ एडर इज अ डिजिटल सर्किट दैट एड्स टू बाइनरी डिजिट्स एंड प्रोड्यूसेस टू आउटपुट सेट्स एज सम एंड कैरी। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको लेफ्ट हैंड पे एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है हाफ एडर का, जिसमें दो बाइनरी इनपुट हैं एज ए एंड बी एंड दो आउटपुट हैं एज सम एंड कैरी एस एंड सी। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया हाफ एडर का। राइट हैंड पे इसकी ट्रुथ टेबल दिख रही है, जिसमें इनपुट ए बी और आउटपुट एस सी हैं, एस सी मतलब सम एंड कैरी। और थर्ड नंबर पे एक्सप्रेशन दिख रही है, एस इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी इक्वल टू ए इंटू बी। तो ट्रुथ टेबल की हेल्प से हमको ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के लिए हमें मालूम है कि अगर दो इनपुट हों, नंबर ऑफ इनपुट्स आर टू, देन टू टू द पावर टू इक्वल्स टू फोर। तो यहाँ पर फोर कॉम्बिनेशन जो हैं वो ज़ीरो वन टू थ्री के बाइनरी होंगे, यानी कि ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो एंड वन वन, दीज आर दी इनपुट्स। इसको हमें सम और कैरी करना है। तो वन बाय वन देखते हैं, ज़ीरो और ज़ीरो को ऐड करेंगे तो सम विल बी ज़ीरो एंड देर इज नो कैरी मीन्स ज़ीरो। देन ज़ीरो प्लस वन इक्वल टू सम इज़ वन एंड देर इज़ नो कैरी मीन्स ज़ीरो। अगेन वन एंड ज़ीरो इज इक्वल्स टू सम इज वन एंड कैरी इज ज़ीरो। लास्ट वन और वन को ऐड करेंगे तो सम विल बी ज़ीरो एंड कैरी विल बी वन। तो यहाँ पर ये ट्रुथ टेबल बन गई, जो कि बहुत आसान है, हम पहले भी बना चुके हैं। तो ये हाफ एडर की ट्रुथ टेबल बन गई। अब इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से हमको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो एस का एक्सप्रेशन देख रहे हैं पहले। तो राइट हैंड पे एस की टेबल में अगर हम देखें तो हमको वन कहाँ कहाँ मिल रहा है। वन मतलब कि होता है हाई आउटपुट। हाई आउटपुट कहाँ कहाँ मिल रहा है? सेकंड नंबर पे मिल रहा है। और किन इनपुट्स के कारण मिल रहा है देखें तो, जब ए की वैल्यू ज़ीरो है और बी की वैल्यू वन है तब हमें मिल रहा है एस इक्वल टू वन। तो ए ज़ीरो का मतलब है, ज़ीरो मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, इसलिए यहाँ पर ए इक्वल टू ज़ीरो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हो गया और बी इक्वल टू वन मतलब हो गया बी। और ये ए इक्वल टू ज़ीरो और बी इक्वल टू वन ने बनाया एक्सप्रेशन का पहला पार्ट एस के, ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें सम की टेबल में हम देखें वन और कहाँ मिल रहा है, तो उसी के नीचे वन और मिल रहा है। जब वन मिल रहा है तो इनपुट्स क्या थे? इनपुट्स थे ए इक्वल टू वन एंड बी इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली ए मतलब वन एंड बी ज़ीरो मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट हो गया ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर एस एक्सप्रेशन बना ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का मतलब ज़ीरो होता है और एग्जाम्पल के लिए देखें तो ए इक्वल टू, यदि वन है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ज़ीरो। सिमिलरली बी इक्वल टू अगर वन है तो ए बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ज़ीरो। तो इस तरीके से ये सम का एक्सप्रेशन बन गया। आगे देखें कैरी के एक्सप्रेशन के लिए, कि कैरी का जो आउटपुट है या टेबल है उसमें हम देखें तो वन कहाँ मिल रहा है? तो वन लास्ट में मिल रहा है। और वो किन आउटपुट्स के कारण मिल रहा है? व्हेन ए इक्वल टू वन एंड बी इक्वल टू वन देन कैरी टेबल में हमको वन मिल रहा है। तो ए इक्वल टू वन मतलब ए और बी इक्वल टू वन मतलब बी। तो हो गया सी इक्वल टू ए इंटू बी। तो ऐसे हमने ट्रुथ टेबल की हेल्प से हाफ एडर का
एक्सप्रेशन निकाल लिया सम और कैरी का। अब इसका लॉजिक डायग्राम हमको बनाना है, तो लॉजिक डायग्राम जो है इसका दो तरीके से बनाया जा सकता है। या तो आप सिंपल बेसिक लॉजिक गेट्स यूज़ करके बना सकते हैं, जिसमें अगर हम सम वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हमको एंड गेट लगेगा, नॉट गेट लगेगा और गेट लगेगा। और अगर केवल कैरी वाले पार्ट की बात करें तो केवल एक एंड गेट लगेगा। तो इस तरीके से हम सम और कैरी का लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। एक अल्टरनेट वे भी है जिससे जनरली बुक्स में बना के दिखाते हैं, वो भी बना सकते हैं। यानी कि एस जो है वो ए बार बी प्लस ए बी बार जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है एक्सोर गेट का, जो हमने बेसिक लॉजिक गेट पढ़ते समय पढ़ा था। तो एक एक्सोर गेट से और एक एंड गेट से भी हम हाफ एडर बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये है लॉजिक डायग्राम ऑफ दी हाफ एडर। तो एक्सोर गेट यूज़ किया है एक, और एक एंड गेट यूज़ किया है। दो इनपुट हैं, एक्सोर गेट का आउटपुट हमेशा ए बार बी प्लस ए बी बार होता है, और यहाँ पर एंड गेट का आउटपुट है ए इन टू बी। तो ये लॉजिक डायग्राम हो गया हाफ एडर का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फुल एडर। फुल एडर जो है वो 3 बिट को ऐड करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है।